लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ एक्सरसाइज 17 सी. क्वेश्चन नंबर 19 इज अ सॉलिड मेटालिक राइट सर्कुलर कोन. एक सॉलिड मेटालिक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री. चलिए साइड बाय साइड फिगर बना लेते हैं अपनी. देखिए ये राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब ये हाइट हमारी है 20 सेंटीमीटर. आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है उसका वर्टिकल एंगल 60 डिग्री का है. तो इसका मतलब ये कोन के बेस का वर्टिकल एंगल ये वो पूरा हुआ ये 60 डिग्री का है, राइट. आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है इस कट इनटू टू पार्ट्स एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट. हाइट के मिडल में से उसको दो पार्ट में कट कर दिया गया बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस. तो देखिए देखिए ये इसके मिडल में से इसको कट कर दिया गया. तो इसका मतलब हमारे मिडल में से कट किया है. तो इसका मतलब ये हाइट 10 सेंटीमीटर हो गई क्योंकि मिडल में से कट किया है और यहाँ से लेके ये 10 सेंटीमीटर आ गई, राइट. आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है इफ द फ्रस्टम सो ऑप्टेन बी ड्रॉन इन टू द वायर ऑफ डायमीटर 1/12 ऑफ सेंटीमीटर. ये जो फ्रस्टम ऑप्टेन किया गया उससे हमने एक वायर बनाया जिसका डायमीटर 1/12 सेंटीमीटर. वायर का डायमीटर 1/12 सेंटीमीटर है. हमें लेंथ निकालनी है वायर की. तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं. हमें हाइट ऑफ कोन पता चल गई. अगर मैं देखिए यहाँ पे ए बी सी डी और ई नेमिंग कर देती हूँ तो हमें टोटल हाइट दी हुई थी, मतलब ए डी दिया हुआ था कितना 20 सेंटीमीटर. अब ए बी हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर और बी डी हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर, राइट, क्योंकि मिडल में से कह रहा है. अब हमें दोनों के ही रेडियस नहीं पता है, ना टॉप का ना बॉटम का. तो लेट द बॉटम रेडियस भी, बॉटम रेडियस में इसे कह रही हूं बॉटम रेडियस हो गया हमारा रेडियस ऑफ बेस सेंटीमीटर एंड टॉप रेडियस भी हमारा रेडियस ऑफ टी हो गया. देखिए टॉप रेडियस है ये वाला और बॉटम रेडियस है ये वाला. यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर लीजिए जिससे कि आपको याद रहे. ये हो गया रेडियस ऑफ टॉप, राइट. अब हमारा एंगल, ये पूरा एंगल हमारा 60 डिग्री का दिया हुआ है कोन का. तो अगर मैं इसको कहूँ एफ, तो एज एंगल एफ ए ई हमें 60 डिग्री का दे रखा है. तो अगर हम एंगल डी ए ई कहें या बी ए सी कहें, बात एक ही है. तो एंगल डी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी कितना 30 डिग्री. अब देखिए मैं इस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ ए बी सी ट्राइंगल में. तो इन ट्राइंगल ए बी सी देखिए एंगल दे रखा है 10-30 लगा सकते हैं. क्यों 10-30 लगाएंगे? क्योंकि हमें परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है. परपेंडिकुलर और बेस किस में पता होता था? अगर हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले याद करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता था? 10 में. तो इसलिए 10-30 का फॉर्मूला लगाएं. 10-30 या cot 30 से आप कर सकते हैं. तो परपेंडिकुलर क्या हुआ इस ट्राइंगल में, ए बी सी ट्राइंगल में 10-30 कितना होगा? देखिए ये वाला एंगल लेना है तो इसके ऑपोजिट क्या होता है? परपेंडिकुलर, राइट. तो ये आएगा बी सी अपॉन, देखिए परपेंडिकुलर आया हमारा बी सी और बेस क्या हो गया हमारा ए बी. तो ए बी, अब 10-30 की वैल्यू होती है 1/√3. बी सी कितना है? रेडियस ऑफ टॉप. और ए बी कितना है? 10 सेंटीमीटर. तो रेडियस ऑफ टॉप कितना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 10/√3 सेंटीमीटर, राइट. अब इसी तरीके से ट्राइंगल ए डी ई की बात करते हैं. इन ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई में भी परपेंडिकुलर और बेस पता है हमें, ये पता है और ये पता है.
तो हम 10 का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो 10 30 कितना हो गया? देखिए ये वाला एंगल है तो हमें पता है उसके ऑपोजिट साइड हमारा परपेंडिकुलर होता था, ये मैं ट्रिग्नोमेट्री में बता चुकी हूँ। तो डी ई अपॉन ए डी लगेगा फॉर्मूला, तो ये आ गया डी ई अपॉन ए डी। अब 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। डी ई दे रखा है रेडियस ऑफ बेस और ए डी दे रखा है 20, हाइट हमारी 20 है। देखिए ये हाइट हमारी 20 है राइट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो रेडियस ऑफ बेस कितना आ गया 20/√3 सेंटीमीटर। अब हमें दोनों रेडियसेस पता चल गए हैं राइट। अब हमें वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फ्रस्टम ऑब्टेन किया है उससे वायर बनाया गया जिसका डायमीटर 1/12 है। तो जब फ्रस्टम उससे ही हमने वायर बनाया तो इसका वॉल्यूम उस वायर के इक्वल होगा, तो वॉल्यूम ऑफ हम फ्रस्टम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हुआ पाई इंटू हाइट अपॉन 3 इंटू रेडियस ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस रेडियस ऑफ टॉप का स्क्वायर प्लस रेडियस ऑफ बेस इंटू रेडियस ऑफ टॉप। तो पाई की वैल्यू 22/7, हाइट कितनी थी हमारी फ्रस्टम की, देखिए हाइट हमारी फ्रस्टम की 10 है ये रही, तो हमने लिखा 10/3 इंटू रेडियस ऑफ बेस है 20/√3 का होल स्क्वायर प्लस टॉप का रेडियस है 10/√3 का होल स्क्वायर प्लस 20/√3 इंटू 10/√3। तो ये कितना आ गया, देखिए यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो 220/7 21 लिख देते हैं, तो ये आया 220/21। ब्रैकेट में देखिए 20 का स्क्वायर इज 400/√3 इंटू √3 इज 3, तो 400/3। 10 का स्क्वायर इज 100/√3 इंटू √3 इज 3 प्लस 20 10s इज 200/√3 इंटू √3 इज 3। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 220/21 एज इट इज। नीचे यहाँ सबके नीचे 3 था तो 3 एलसीएम में लिया तो ये आ गया 400/100+200, तो ये आ गया 220/21 इंटू 400+100, 500, 600, 700, 700/3। तो ये कितना आ गया, 7 3s are 21, 7 1s are, तो ये आ गया 22,000/3 3s are 9 सेंटीमीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम। अब मैंने आपको बताया फ्रस्टम से ही वायर बनाई गई है और उसका डायमीटर दे रखा है हमें, डायमीटर ऑफ वायर दे रखा है हमें 1/12 cm। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ वायर हो गया हमारा डायमीटर का आधा। तो देखिए डायमीटर है 1/12 / 2, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो ये आ गया 1/12 × 1/2 दैट इज 1/24 cm हो गया राइट। अब हमें लेंथ निकालनी है वायर की, तो लेंथ दे नहीं रखी तो लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ वायर बी, लेंथ ऑफ वायर बी एच सेंटीमीटर हो गया राइट। तो अब फ्रस्टम से ही वायर बना है, जो ये फ्रस्टम बना है उसी से वायर बना है, तो इसका वॉल्यूम और वायर का वॉल्यूम सेम है, तो हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर। फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना आया था, दैट इज 22,000/9, तो ये आ गया 22,000/9 इक्वल्स टू वायर का वॉल्यूम क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये आ गया 22,000/9
पाई की वैल्यू 22/7, हमें आर पता है कितना है 1/24, देखिए ये रहा, और हाइट को एच माना था तो आर स्क्वायर था तो 1/24 एक बार और इंटू एच। अब एच अपनी जगह, 22,000/9 अपनी जगह, और जो यहाँ न्यूमरेटर में थे वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, और जो डिनोमिनेटर में थे वो न्यूमरेटर में आ जाएंगे। तो ये आ गया 7 × 24 × 24/22। तो ये देखिए 22 ones are और 3 zeros। अब 3 3s are 9, 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 8s are 24। तो ये कितना आ गया एच, एच आ गया 8 8s are 64, 64 × 7 is 7 4s are 28 टू कैरी 44, 4 4 8 000 सेंटीमीटर। अब ये बहुत बड़ी यूनिट है तो आप इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं, तो मैंने इसको सेंटीमीटर्स को, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में जब चेंज करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड बाय 100 कर, तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो 44 8,000/100, तो ये आ गया, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गई, 4,480 meters। तो हमारी हाइट कितनी आ गई वायर की, दैट इज 4,480 इज द आंसर।